Good Morning everyone. I'm Nitish Shabbe. I'm the founder of ELEC. Today I'm here to start with the conceptual thirst YouTube Live series for Haryana Judiciary Prelims Examination. और आज जो subject हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं, वो Registration Act. जैसा Rajasthan के problems के लिए कुछ subject सम्में start किए थे, उसको pause किया है अभी for the time being. क्योंकि बीच में Haryana related है पहले. है ना वो स्टार्ट जब किया था तब डेट अनाउंस नहीं हुई थी ना तो राजस्थान ना हरियाणा बट हरियाणा की डेट आ गई और हरियाणा पहले है इसीलिए जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है हरियाणा से रिलेटेड उनको कवर कर रहे हैं आफ्टर दैट दैट बी कवरिंग मतलब कंटिन्यू विद एज वेल वो हरियाणा सॉरी वा, राजस्थान वाले भी कंटिन्यू इन द सेम मैनर पॉक्सो जो जस्टिस वो सब खाएंगे अभी देखते हैं हरियाणा के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं कुछ उनपे नजर डाल लेते हैं क्योंकि तेरह तारीख को आपको जाना है और ये जो सेशन है रजिस्ट्रेशन का देखिए पहले तो डायरेक्ट अगर आप लेके बैठे अच्छी बात है नहीं भी है तो इट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू कोई परेशानी नहीं है सेशन के बाद टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा है ना थोड़ा आवाज मेरी कुछ मतलब गला थोड़ा ठीक नहीं है सो देर में भी फिर तो वैसे भी अपन बहुत स्लो ही रहते हैं कोई कोई जल्दी में है नहीं तो थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे और रजिस्ट्रेशन एक ओवरव्यू पूरा ले लेंगे हम है ना मैं सेक्शन वाइज ही आपको जैसे पहले एक्स कराएंगे करा ज्यादा ध्यान देंगे जो रेलिवेंट नहीं है उसको अपन छोड़ते जाएंगे क्योंकि जैसा मैंने एनालिसिस वीडियो में बताया था प्रीवियस ईयर लगभग पांच क्वेश्चन अप्रोक्सिमेटली तीन से पांच क्वेश्चन आपको मिलेंगे रजिस्ट्रेशन में ठीक बिफोर वी बिगिन विदविजन ऑफ दिस आर्ट पहले हमको इसका पर्पज समझना पड़ेगा ओवरव्यू लेते हैं इस एक्ट का क्या है रजिस्ट्रेशन क्यों ये एक्ट बना है क्या पर्पस है रजिस्ट्रेशन होता क्या है बेसिक्स जान लीजिए अगर वो आपने अच्छे से समझ लिए तो प्रोविजन समझने में बहुत ज्यादा समस्या आप लोगों को नहीं होगी सो देखिए रजिस्ट्रेशन बेसिकली होता क्या है हर डिस्ट्रिक्ट में एक अथॉरिटी अपॉइंट है बाय द स्टेट गवर्नमेंट जिसको रजिस्ट्रार कहते हैं और सब डिस्ट्रिक्ट के लिए सब रजिस्ट्रार अपॉइंटेड है जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जैसे मान लीजिए भाई आपका मकान मुझे खरीदना है आप उसे ट्रांसफर कर रहे हैं मेरे नाम पे सो दैट डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हैं मस्ट बी रजिस्टर्ड उसको अगर रजिस्टर करा लिया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस में सरकारी अथॉरिटी के पास तो इसका बेनिफिट क्या होगा बेनिफिट ये होगा कि उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी

क्योंकि तो आपको पता है कि रजिस्टर्ड और अगर आप कोई जमीन खरीदने जा रहे और आपको ये चेक करना है कि पहले से किसी और ने तो नहीं ले रखी है आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाके रिकॉर्ड खुलवा के इंस्पेक्ट कर सकते हैं आप जितने भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार ऑफिस में आप एप्लीकेशन फाइल करके इफ यू आर इंटरेस्टेड पार्टी आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं आप देख सकते हैं तो फॉल्स ट्रांजेक्शन से बचने के लिए डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन जरूरी है उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए वो रजिस्ट्रेशन जरूरी है इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आया है अडॉप्ट किया जाता है अब ये सेपरेट एक्ट क्यों बना है रजिस्ट्रेशन तो भाई रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो दूसरे एक्ट्स में भी दिया हुआ है अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वहां स्पेसिफिकली मेंशन है कि कौन कौन से वो ट्रांसफर है जिनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है मैंडेटरी कर दिया गया है कुछ चीज ऐसी है जिनका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है ताकि वही जो मैंने आपको कहा फॉल्स ट्रांजेक्शन से बचा जा सके अब जैसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है सौ रुपए से ऊपर की उसका अगर आपको ट्रांसफर करना है तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो पहले चेक करवा लीजिए कि वो ऑलरेडी वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है जिससे आप ले रहे हैं उसी की है कि वो किसी और की आपको दे रहा है ये ऑथेंटिसिटी के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है लेकिन उसके लिए सेपरेट एक्ट क्यों आया कंसोलिडेट करने के लिए पहले देखिए क्या था कि अलग अलग लॉज में रजिस्ट्रेशन uh, किया गया है कहीं कहीं पे, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है एक एग्जांपल और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ रखा होगा सेक्शन 25 वो अग्रीमेंट जो Uh, बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें है कि अगर आपने कोई आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कोई प्रॉमिस कर दिया है तो इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड तभी वो वैलिड है विदाउट कंसीडरेशन तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रख दिया कि रजिस्टर कराना है ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट लॉज में ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया गया था बट और पहले उससे रिलेटेड ऑफिस स्टैब्लिश थे रजिस्ट्रेशन के लिए लेकिन ये बड़ा ही स्कैटर्ड था किसी किसी लॉ में कहीं कहीं प्रोसीजर दिया है रजिस्ट्रेशन का इसको कंसोलिडेट एक प्लेस पे करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया कि जहां अलग अलग जगहों पे ये सब है एक जगह कंसोलिडेट होकर मिल जाएगा उससे प्रोसीजर उस अथॉरिटीज सारी बातें तो ये बेसिक पर्पस है रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो उसके प्रियम्बल में भी दिया गया है कंसोलिडेट करना था रजिस्ट्रेशन के प्रो, के प्रोसेस को और उसके इवेंट्स जहां जहां मेंशन है डिफरेंट लॉज में उन सबको एक जगह पे लाना था जो पूरा अबाउट रजिस्ट्रेशन uh, दिया हुआ है कि किसी, को आपको कराना है, किसी का कराना है तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें देखनी है या जो इंपॉर्टेंट है जहां से आपके क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं पहले उन चीजों को आप एक बार देख लीजिए तो सबसे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे यहां वॉट What से मेरा मतलब है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और वो कौन से है जिनका जरूरी नहीं है क्या चीज रजिस्टर होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए फिर वेन वेन मतलब कब रजिस्टर कराना है मैंने आज कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है आज मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी दूसरे को एक डॉक्यूमेंट के थ्रू साइन करके एग्जीक्यूट करना मतलब जब वो आप साइन कर देते हैं फोर्स मिलाने के लिए तो एग्जीक्यूट मैंने आज किया आप कितने दिन के अंदर मुझे उसे रजिस्टर कराना है तो रजिस्ट्रेशन कब होना है ये अपन देखेंगे। फिर ये रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकता है हु इज एंटाइटल्ड

तो मैं कहां जाके रजिस्टर कराऊं सो वेयर विल बी स्टार्टिंग कि कहा आपको रजिस्टर कराना है इसके बाद अब जहां पे मैंडेटरी है कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन जो अपन पढ़ेंगे कि किस किस का जरूरी है अगर नहीं कराया तो क्या तो इफेक्ट क्या होगा या कोई ऐसी चीज जिसका मैंडेटरी नहीं है उसका भी हमने करा लिया तो क्या इफेक्ट या इम्पैक्ट होगा इस बात को अपन देखेंगे ये सारे सवालों के जवाब आज के इस लेक्चर में हमें ढूंढने और यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं जहां से आपके प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस बनते हैं बहुत कुछ इस एक्ट में नब्बे इन कैंवे सेक्शन का ये एक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उन पर हम ज्यादा ध्यान देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी। फर्स्ट प्रोविजन

ध्यान रखिए कम फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इसके बाद डेफिनेशन क्लॉज पे अगर अपन आए तो अब देखिए डेफिनेशन बहुत सारी हैं सारी नहीं पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूं सबसे पहले एडिशन दिया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बुक इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो फोर्थ पॉइंट है ये जरूर आप देख लें क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग होता है और यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंक्लूड दी कोर्ट इन इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन तो हाई कोर्ट जब अपना ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है तो इट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेंशन होगा यहां वहां हाई कोर्ट भी इंक्लूड होगा अगर वो अपना ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है दिस इज इंपॉर्टेंट इसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है बल प्रॉपर्टी क्योंकि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है तो वहां इमूवेबल प्रॉपर्टी की बड़ी ही भयानक सी डेफिनेशन दी हो यह बताया नहीं है क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड नहीं होता ये बताया है इसीलिए टीपीए में भी जब आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ना है तो हम दूसरे एक्ट की हेल्प लेते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट है वहां दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन तो में जो डेफिनेशन इमोवेबल प्रॉपर्टी की है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जनरल एक्ट में में जो डेफिनेशन को डिफाइन किया है और जहां ये है और टीपीए बताया कि प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड नहीं होता दोनों को कंसोलिडेट करके इधर लिख दिया है में. So so एक बार clauses, TPA, मिला के, बन जाएगी लीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टीज के बाद तो भाई जो टीपीए uh, में भी लिखा है कि स्टैंडिंग टेम्बर ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास ये इंक्लूड नहीं होता इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा लिखा है टीपीए में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये चीज इंक्लूड नहीं होती इसका मतलब ये मूवेबल होती है और उसको सेपरेटली यहां एक डेफिनेशन में दिया है मूवेबल प्रॉपर्टी सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बाद आ जाते हैं अपन पार्ट टू पे ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्टैब्लिशमेंट स्टैब्लिशमेंट से मतलब अथॉरिटीज के बारे में बताया गया है कि इस रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसीजर में कौन कौन अथॉरिटीज होंगी क्या क्या ऑफिस होंगे उसके बारे में एक ब्रीफ पहले मैं आपको ऐसी बता देता हूं एक होता है आपका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ये पूरे स्टेट में सिंगल अथॉरिटी होती है पूरे स्टेट को जो कवर करता है रूल्स बनाएगा नॉर्म बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी जरूरी नहीं है कि सेपरेट पर्सन इसके लिए अपॉइंट किया जाए एक पर्सन जो कोई दूसरी पोस्ट होल्ड कर रहा है ही कैन एक्ट एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन तो ये हाइएस्ट अथॉरिटी मानी गई है इस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेब्लिश जो होगा इसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट का जो डिवाइड किया है उसके लिए आप रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट्स देखेंगे आगे एक्ट में उनकी ड्यूटीज और वो सारी बातें तो एक हो गया आपका इंस्पेक्टर जनरल और उसके बाद रजिस्ट्रार जो एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा सब रजिस्ट्रार जो है सब डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा ये दिया है सिक्स में सेक्शन सिक्स में स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच पर्सन वेदर पब्लिक ऑफिसर्स और नॉट जरूरी नहीं है कि ये कोई पब्लिक ऑफिसर हो किसी और सेपरेट अपॉइंटमेंट भी नॉर्मली जो पी एस सी के थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफिसर जैसा मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा सब डिस्ट्रिक्ट में सब रजिस्ट्रार बाकी एक बार रीडिंग आप कर लीजिएगा कंक्लूजन सबका यही है एक और इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस हर रीफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एक सेपरेट इंस्पेक्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस नहीं है जो सारे काम हो रहे हैं वो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ही करते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है इस एक्ट के रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार 10 important hai, section 10 absence of registrar or vacancy agar registrar available nahi when any registrar other than the registrar of a district including a presidency town in absent otherwise than on duty in his district or when his office temporarily vacant any person whom the inspector general appoint तो ऐसे केस में इंस्पेक्टर जनरल किसी और को अपॉइंट कर देगा अगर मान लीजिए अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है रजिस्ट्रार इज नॉट इन ऑफिस और इंस्पेक्टर जनरल ने भी किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट नहीं किया है ऐसे केस में कौन एक्ट करेगा एज रजिस्ट्रार दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसके लिए दिया है और इन डिफॉल्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये मार्क कर लीजिए

एब्सेंस के बारे में उसके बताया कि अगर नहीं है नहीं है, तो बात है, सब उसका सब है। तो अगर में नहीं है, तो जो सब ग्यारह बारह तेरह बहुत तेरह तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है थर्टीन तो आपको पढ़ने की ही जरूरत नहीं है आई वु सजेस्ट है ना फोर्टीन जरूरी नहीं है फिफ्टीन जरूरी नहीं है 16 भी भी नहीं है बस ये बताया है बस बताया में में कि ये जो बुक्स, क्योंकि भाई को पूरा करना है, कोई भी आपने रेजिस्टर कराया में, तो इट मस्ट बी केप सेफ, सेफ्टी के साथ उसको रखना है पता चला आग लग गई ऑफिस में तो जितना डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड है पूरा गायब हो जाएगा तो इन्हें इस तरीके से उसे स्टोर करना है उस इंफॉर्मेशन को कि इस तरीके के जो डैमेज हो सकते हैं उनसे बचा के रखें उसके बारे में 16 दिया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बाद 16 ए 2001 में जब आई टी एक्ट आया तो ये अमेंडमेंट हुआ और बोला कि सॉफ्ट कॉपी में रखिए आप सरकारी ऑफिस में जाते होंगे फाइलों पे धूल जम रही अब डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है उनके डेटा का भी क्योंकि तो डिजिटल फॉर्म में अगर वो स्टोर है तो काफी उनकी लाइफ बढ़ जाती है इसीलिए सिक्सटीन ए में वो बताया कि उनको आप सॉफ्ट कॉपी में सेव करके रखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बाद सीधे अपन आते हैं पार्ट थ्री सेवनटीन सेक्शन सेवनटीन सेक्शन एटीन दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट एक एक शब्द पढ़ना है इसका आपको दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन सो देखिए पार्ट थ्री में ऑफ रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट सेवेंटीन बात करता है डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कम्पल्सरी वो कौन से डॉक्यूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही है

17 में जितनी चीजें हैं जिनका मैंडेटरी है और 18 दोनों सो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से आप क्या समझते हैं तो so, भाई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इज विल

कहीं पे भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू सौ रुपए या उससे ज्यादा है ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप कोई भी राइट right या टाइटल क्रिएट कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है सौ या उससे ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी राइट टाइटल इंटरेस्ट चाहे वो फ्यूचर में चाहे प्रेजेंट में डिक्लेयर कर रहे हैं असाइन कर रहे हैं लिमिट कर रहे हैं एक्सटिंग्विश कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है तो सौ या उससे ऊपर की मूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड क्रिएशन अगर राइट के हो रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में सो दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड इसके बाद देखिए सी नॉन टमेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नोलेज द रिसेट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ द्रिएशन डिक्लेरेशन असाइनमेंट लिमिटेशन और एक्सटेंशन ऑफ एनी सच राइट टाइटल और इंटरेस्ट अब मान लीजिए आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जब आप किसी दूसरे का टाइटल क्रिएट कर रहे हैं दे रहे हैं वो तो एक इंस्ट्रूमेंट अलग हो गया किसी इमूवेबल सच इंटरेस्ट और टाइटल ऊपर वाले से कनेक्टेड है ये किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको ट्रांसफर वगैरह करना है उसके लिए आप कोई कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं उस रिसीव का जो एक्नोलेजमेंट है मान लीजिए आप <coughs> रसीद प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एक एक्नोलेजमेंट कर रहे हैं कंसिडरेशन का उसके तो दैट एक्नोलेजमेंट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड ठीक है अगर आपने कोई इस तरीके का सौ रुपए या उससे ऊपर वही वाला जो ऊपर से बी में अपन ने पढ़ा ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है सो या उससे ज्यादा तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी उसके ट्रांसफर का टाइटल क्रिएट करने का उसी चीज की बात है वही सो या उससे ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें कंसिडरेशन आप ले रहे हैं तो उस कंसिडरेशन का जो एक्नोलेजमेंट इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इसके बाद लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीज पे अपन आते हैं डी सो डी में देखिए लीजेस ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग वन ईयर और रिजर्विंग अयरली रेंट कौन सी लीज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है जो एक साल से ऊपर की है एक साल या उससे ऊपर ईयर टू ईयर की या जिनका रेंट ईयरली जाना है ऐसी लीजेस का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है आप कभी घर किराए पे देते हैं या लेते हैं तो आपने देखा होगा जो रेंट अग्रीमेंट बनता है वो ग्यारह महीने का बनता है हमेशा आपने ये ध्यान दिया होगा कि वो ग्यारह महीने का बनता है क्यों बनता है ग्यारह महीने का क्योंकि भाई साहब अगर आप एक साल या उससे ऊपर का बनवा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है फिर फिर वो लीज रजिस्टर्ड होनी चाहिए उसकी फीस लगेगी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वो रजिस्टर होगी उससे बचने के लिए अपन उसको लीगल इफेक्ट भी दे देते हैं और रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना पड़ता इसलिए 11 महीने की करी जाती है क्योंकि 12 उससे ऊपर है ईयरली जो लीज होती है दे मस्ट बी कंपल्सरिली रजिस्टर्ड इसके बाद ई देखिए नॉन टेस्टमेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और एनी अवार्ड अवारस डिक्री और ऑर्डर

जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं टू सम अदर पर्सन उसमें अगर कोई चीज आप क्रिएट कर रहे हैं दैट मस्ट ऑल्सो भी मैंडेटरी रजिस्टर्ड डिक्री ऑर्डर है कोर्ट का इमूवेबल प्रॉपर्टी सौ से ऊपर की उससे कनेक्टेड तो दैट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड इसके बाद आ जाइए वन ए दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इसके लिए थोड़ा सा टीपीए की तरफ जाना पड़ेगा इस क्लॉज को पर्टिकुलरली समझने के लिए कोई डाउट है मंथली रेंट फॉर वन ईयर लीज विक्वायर रजिस्ट्रेशन नहीं भैया मंथली अगर इट इज फॉर वन ईयर इट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन ईयरली अगर लीज है तो इट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन भले ही रेंट मंथली पे हो वो और लिखा है अर्पित एक बार ध्यान से देखना बेरिट में इट इज और या तो ईयरली हो या फिर रेंट ईयरली पे हो रहा हो या तो लीज ही हो या रेंट इयरली एनुअल रेंट पे होना हो अगर लीज मतलब एक साल के बाद रिन्यू होगी एक साल के लिए इसलिए अपन करते हैं ग्यारह महीने के लिए एक साल का कोई नहीं करता अग्रीमेंट ग्यारह महीने का करते हैं रेंट अग्रीमेंट क्योंकि अगर एक साल का है भले रेंट मंथली पे होना है लेकिन एक साल का है तो रजिस्टर होगा इसके बाद देखिए वन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन 53 ऑफ टीपी अगर आपने पढ़ रखा है पार्ट परफॉर्मेंस ठीक है पार्ट परफॉर्मेंस आप Uh, नेगर टीपीए में पढ़ रखा है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उससे कनेक्टेड ये प्रोविजन यहां मेंशन है द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन किस डॉक्यूमेंट की बात चल रही है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है ट्रांसफर का फॉर कंसिडरेशन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द परपज ऑफ सेक्शन दिस इज फिफ्टी थ्री ए दिस इज टाइपिंग ए रिफ्टी थ्री एफ दर ऑफ प्रॉपर्टी

प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इट मस्ट बी रजिस्टर्ड थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका मैं आ, बता देता हूं आपको इस 53 ए का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है तो पीपीए का जो 53 है पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लेकिन सारे लीगल फॉर्मेलिटीज उसने कंप्लीट नहीं किए कहने का मतलब जो ट्रांसफर किया है वो लीगली इफेक्ट नहीं किया है बट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है अपना एक पीस ऑफ लैंड बेचना है उसे या एक घर है जो उसे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट उसने कर दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट के परसेंस में बी जो है पजेशन ले लेता है इस घर की

प्रॉपर्टी ली है फॉर कंसीडरेशन अगर फॉर कंसीडरेशन और विदाउट नॉलेज मान लीजिए ए ने उठा के ये सी को बेच दिया कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ किया लेकिन ट्रांसफर किसको कर दी सी को और वो ट्रांसफर कैसा होना चाहिए कंसीडरेशन के साथ सी ने विद कंसीडरेशन वो प्रॉपर्टी ली है और सी को इस बात की जानकारी नहीं थी इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की ऐसे में इसका राइट प्रोटेक्टेड है बी बाकी किसी के अगेंस्ट अपना राइट स्टैब्लिश कर सकता है लेकिन इसके अगेंस्ट नहीं कर सकता

तो भाई ये अब देखिए इसके कुछ एक्सेप्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन टू में पहले तो वन में बताया क्या क्या चीजें मैंडेटरीली रजिस्टर होना है एक बार उसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं अपन क्या क्या मैंडेटरीली रजिस्टर होना है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेवनटीन और जैसा मैंने बताया एटीन भी तो सबसे पहले तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट है प्रॉपर्टी का दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड उसके बाद सौ या उससे ऊपर की इमोवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है कोई भी राइट क्रिएट कर रहे हैं आप उसमें दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड उसके बाद नौ, नौ, कोई डिक्री है या सॉरी कंसीडरेशन का एक्नोलेजमेंट इमोवेबल प्रॉपर्टी सौ रुपए से ऊपर की उसके लिए कोई कंसीडरेशन दिया गया कंसीडरेशन का एक्नोलेजमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड इसके बाद लीज तो ईयर टू ईयर लीज अगर है साल या उससे ऊपर की लीज अब यहां देखिए आप ईयर टू ईयर में लीज़ेस ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग वन ईयर और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट ईयर टू ईयर लीज या एक साल से ऊपर की लीज जो भले उसमें रेंट मंथली पेबल हो बट एक साल से ऊपर एनी टर्म एनी टर्म एक्सीडिंग वन ईयर तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से उसका रजिस्टर होना जरूरी है उसके बाद ई डिक्री या ऑर्डर की बात करता है इसी चीज से कनेक्टेड सौ या उससे ऊपर की इमोवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई डिक्री ऑर्डर उसका उसमें अगर आप कोई रिएट कोई राइट क्रिएट कर रहे हैं किसी पर्सन का तो दैट मस्ट आल्सो बी रजिस्टर्ड और उसके बाद एक ये एडिशनल वन ए TPA के 53A का बेनिफिट अगर किसी पर्सन को लेना है उस पार्ट परफॉर्मेंस का तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो डॉक्यूमेंट है जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट मेंशन है दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड अब सब सेक्शन 2 बताएगा कि इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है कुछ एक्सेप्शंस नथिंग इन क्लॉसेस ए एंड सॉरी क्लॉसेस बी एंड सी ऑफ सब सेक्शन 1 अप्लाई टू एनी कंपोजिशन डीड बस एक दो ऊपर के पॉइंट्स में आपको ब्रीफ में बता देता हूं बाकी एक बार बस रीड कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एनी कंपोजिशन डीड का मतलब होता है जब कोई डेटा अपने क्रेडिटर के साथ थोड़ा पेमेंट करने को रेडी हो जाए और दोनों अपना डेट सेटल कर लें जैसे मान लीजिए मैंने किसी से दो लाख रुपए उधार ले रखे हैं मैं उससे कहता हूं भाई देख अस्सी है लेना हो तो अभी लेके ये बात खत्म कर दे बाकी का तू छोड़ दे रिलायंस कर दे बाकी काम और लेकिन अभी तो तैयार है अगर करने के लिए तो अपन कर लेते हैं तो ऐसे जो कंपोजिट डीड है उनपे बी और सी सब क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा कहने का मतलब उसके ऐसे ही शेयर्स और डेवेंचर से कनेक्टेड अगर डॉक्यूमेंट्स हैं भले ही वो, वो कहीं ना कहीं उसमें एसेट्स जो कंपनी के शेयर डिवेंचर आप खरीद रहे हैं भले उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी हो एसेट्स सौ रुपए से ऊपर के उसपे भी एप्लीकेबल नहीं होंगे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एक बार रीड कर लीजिए दैट्स इट इसके बाद इसका सबसेक्शन थ्री जिसको लेके थोड़ी समस्याएं भी हैं। अथॉरिटीज टू अडॉप्ट सन इस चीज को देखिए अथॉरिटीज टू अडॉप्ट इसके लिए सेपरेट प्रोविजन भी है हाँ, आगे सेपरेट चैप्टर

अथॉरिटी टू अडोप्ट सन क्या चीज है पहले जो हिंदू लॉ था उसमें अ फीमेल नॉट टू अडॉप्ट कंसेंट ऑफ द दस्बेंड इनफैक्ट आफ्टर हिज डेथ तो मरने के पहले अगर हस्बैंड ने ये अथॉरिटी दे दी है वाइफ को उन लॉज के हिसाब से अगर दे दी अथॉरिटी उस केस में तो शी कैन अडॉप्ट अदरवाइज नॉट तो ये जो अथॉरिटी दे रहा है हस्बैंड वाइफ को अडॉप्ट करने की दैट हैज टू बी रजिस्टर्ड अगर वो विल के अलावा अगर उसने विल में ये चीज लिखी है अपनी बाकी प्रॉपर्टीज को भी दिया है और विल में ये चीज मेंशन में तब रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन अदर देन विल अगर है नॉट बाय विल अगर ये अथॉरिटी दी जा रही है तो इट मस्ट बी कंपल्सरिली रजिस्टर्ड उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी अब देखिए ये हो गया एक चीज और ऐड हो गई आपकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में उसके बाद 18 पे आइए डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल अब 18 उन की बात कर रहा है जहां मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है चाहे तो करवा लीजिए नहीं तो मत करवाइए सो डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में भी अंडर दिस एक्ट नेमली इनका आप करवा सकते हैं जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप आएंगे तो

Leases of immovable property फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग वन ईयर एक साल से कम की लीज एक साल या उससे कम की लीज अब ये आ गया आपका ऑप्शनल वाले में ऑप्शनल है चाहे तो कराए नहीं तो ना डिक्री में भी भाई सौ से कम अगर वैल्यू है तो आप चाहे तो करवा सकते हैं सौ के ऊपर तो मैंनेडेट्री में आ गया कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट वहां अपन सारी बात कर रहे थे इमूवेबल सौ रुपए से ऊपर मैंडेटरी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात ही नहीं करी मैंडेटरी में तो मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो उसका ऑप्शनल है चाहे तो करवा लें विल विल का अपन ने हर जगह एग्जामेशन में पढ़ा जरूरी नहीं है तो विल इज एन ऑप्शनल रजिस्टर विल रिक्वायर्स ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं कि आप करें इसके अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो सेक्शन सत्रह में मैंडेटरी नहीं किया गया है ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आप चाहें तो रजिस्टर करा सकते हैं जो 17 में मेंशन नहीं है फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं जो अपन अथॉरिटी टू अडॉप्ट की बात कर रहे थे तो अथॉरिटी टू अडॉप्ट का तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है लेकिन अडोप्शन डीड एडॉप्शन डीड में एज़ सच कोई राइट आप कंफर नहीं करते हैं। जितनी चीजों का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है उसमें कहीं ना कहीं आप राइट कंफर कर रहे हैं या एक्सटिंग्विश कर रहे हैं एडॉप्शन डीड सिर्फ इस बात का एक्नॉलेजमेंट होता है या इस बात का एक एक्सप्रेशन है वो कि इस पर्सन को अडॉप्ट किया गया है तो एडॉप्शन डीड जो है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं करती उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है जरूरी नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए अडोप्शन डीड का लेकिन अथॉरिटी टू अडोप्टेटरी है ये ध्यान रखिएगा बाकी ऑप्शनल तो सत्रह में जो नहीं है वो किसी भी चीज का आप कर सकते हैं ठीक डॉक्यूमेंट्स इसके बाद जो प्रोविजन है अब देखिए सेवनटीन एटीन अपन ने एक, एक शब्द पढ़ा है क्योंकि पूरा इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको बताते जाता हूं कहां से ज्यादा आपको ध्यान देना है कहां नहीं देना है जिनको अपन छोड़ रहे हैं उनको छोड़ते जाइएगा ज्यादा उस पर एम्फोसाइज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो देखिए 19 जो है डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अब मान लीजिए रजिस्टर कराने आप जिस ऑफिसर के पास गए हैं आपने जिस लैंग्वेज में उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया उसके समझ में ही नहीं आ रहा तो प्रॉपर ट्रांसलेशन लेके जाइए अगर प्रॉपर ऑथोराइज ट्रांसलेशन आप लेके जाएंगे तो वो रजिस्टर करेगा नहीं तो मना कर देगा ट्वेंटी डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं।, नहीं है नाइनटीन भी रिक्वायर्ड नहीं है ट्वेंटी भी जरूरी नहीं है ट्वेंटी वन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैप्स और प्लान सुपरफिशियल रेटिंग एक ऊपर ऊपर से आप देख लीजिए ट्वेंटी भी मैं आपको बस ब्रीफ में ही बता देता हूँ वॉट इट टॉक्स अबाउट सो द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर मेन डिस्क्रिप्शन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट फॉर रजिस्ट्री एनी डॉक्यूमेंट इन विच एनी इंटर रिलेशन ब्लैंक इरेजर और ऑल्टरेशन आपने कुछ उसमें ऑल्टरेशन कर दिया Properly नहीं लिखा काट के कुछ और लिख दिया इस तरीके के जो करेक्शन नहीं करेगा normally, जब तक satisfy नहीं होगा सारी से, या जिसने वो correction किया, वहाँ पे अपने इनिशियल्स के सिग्नेचर करेगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी आप देखेंगे जब आप करेक्शन करते हैं तो दे वांट यू टू साइन ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस ये करेक्शन आपने ही किया है किसी और ने तो नहीं कर दिया दैट इज ट्वेंटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ट्वेंटी Description of property and maps or plan, जहां भी बल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जिसको आप रजिस्टर कराने जा रहे हैं उसका मैप होना जरूरी है उस प्रॉपर्टी का 23 थ्री डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस एंड लैंड बाई रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप कोई घर या किसी लैंड के से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन आप कराने जा रहे हैं और सरकारी मैप अगर उसका अवेलेबल है आपको पता होगा जितना भी लैंड होता है स्टेट में वो वो बिलोंग करता है स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू में उसके रेवेन्यूपर मैपे होते हैं खसरा खतौनी ये सब अगर आपने लोकल लॉस पढ़े तो आपको पता होगा तो जो सरकारी मैप अवेलेबल है जहां पे वहां सरकारी मैप एफिक्स होगा साथ में रजिस्टर कराते समय जहां गवर्नमेंट से ऑथोराइज मैप वगैरह अवेलेबल है किसी प्रॉपर्टी का ऑफ द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन अब देखिए अब अपन उस सवाल पे अभी तक आया कि क्या रजिस्टर होगा क्या नहीं होगा अब अपन उस तरफ जाते हैं कि कब कराना है ये registration? Of the time of presentation, कब आपको करना है एक document को, जिसे आप execute कर चुके हैं, उसे रजिस्टर कब करवाना है इससे रिलेटेड <laughs> 23. टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स सब्जेक्ट द प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शंस 25, 20. 426 no document other than a will shall be accepted for registration unless presented for that purpose to the proper officer underline कर लीजिए बहुत important सवाल है within 4 months from the date of its execution जिस दिन वो execute हुआ है document सारी parties ने sign कर दी हैं 4 महीने के अंदर अंदर registration कराना एक्सेप्ट will will को छोड़ के बाकी सबका चार महीने के अंदर अंदर, अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है उसके बाद अलाउ नहीं है नॉर्मली प्रोवाइज में दिया है प्रोवाइडेडा कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर में भी विद इन फोर में जो डिक्री और ऑर्डर जिसकी अपन बात कर रहे थे वहां मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में वहां भी चार महीने जिस दिन डिक्री आई है या ऑर्डर आया उससे फोर मंथ्स के अंदर तो चार महीने और बड़ा ही यूनिफॉर्म है यहाँ डेज का कंसेप्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट में ज्यादा समस्या नहीं होगी चार महीने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको मिलेगा एक चेंज होगा वो मैं बताता हूँ कहाँ होगा तो नॉर्मल याद रखिएगा चार महीने के अंदर होना है ये इंपॉर्टेंट सवाल है री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट ब्रीफ में बता देता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है री Re रजिस्ट्रेशन मतलब किसी एक पर्सन ने रजिस्टर करवा लिया जबकि वो ऑथोराइज पर्सन नहीं था क्योंकि मैंने आपको जो इनिशियली सवाल दिए थे व्हाट वेन वेयर उसमें अपन ने एक भी देखा था who, कौन करा सकता है मान लीजिए वो ऑथोराइज नहीं था लेकिन उसने करवा लिया है तो अब जो एक ऑथोराइज पर्सन जिसको पता चला कि अरे उसका तो पहले से किसी दूसरे ने रजिस्टर करा लिया है वो जाएगा और वो करेक्शन कराएगा अब वो री re रजिस्टर कराएगा तो वो जिस दिन उसके नॉलेज में आया उससे चार महीने के अंदर उसको करवाना है यहां पे भी चार मंथ की लिमिट दी है बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बाद 24 डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एंड डिफरेंट टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अगर मान लीजिए एग्जीक्यूशन अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने भाई अब एक ही डॉक्यूमेंट को दो लोग तो एग्जीक्यूट करेंगे जो मान लो प्रॉपर्टी दे रहा है तो जो ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफर ही और ट्रांसफर दोनों या उसके अलावा दूसरी भी पार्टीज हैं जिन्हें एग्जीक्यूट करना है तो अलग अलग समय पे जब पार्टीज ने एग्जीक्यूट किया तो जब जिस पार्टी ने एग्जीक्यूट करा है वहां से चार महीने कैलकुलेट होंगे फॉर रजिस्ट्रेशन अपन ने देखा कि नॉर्मल रूल क्या है जनरल रूल क्या है कि आपको चार महीने के अंदर रजिस्टर करा लेना है जब डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट एक्जीक्यूट हो रहा है चार महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है कुछ एक्सेप्शन है उसके लिए इफ ओइन टू अर्जेंट ने

सो so, यहां देखिए अगर मान लीजिए डिले हो जाता है आपको चार महीने के अंदर आप नहीं करा एग्जीक्यूशन होने के बाद और एग्जीक्यूशन कहा हुआ है भारत के अंदर हुआ उस डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन टिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम हेयर इन बिफोर प्रेसक्राइब जो चार महीने प्रेस्क्राइब थे द रजिस्ट्रार इन केसेस वेयर द डिले इन प्रेजेंटेशन डज नॉट एक्सीड फोर मंथ फिर चार महीने कहने का मतलब एग्जीक्यूट आज हुआ जनरल रूल तो ये है कि अगर आज एग्जीक्यूट हुआ तो अगले चार महीने के अंदर आपको ले लेकिन आप नहीं को एग्जीक्यूट हुआ तो जैन फेब, मार्च अप्रैल मतलब एक मई के पहले पहले आपको रजिस्टर करा लेना था आप नहीं करा पाए आप मई के एंड में पहुंचे आप जून में पहुंचे अगर विद इन टाइम लिमिट खत्म होने के बाद अगले चार महीने के अंदर अगर आप आते हैं वो डिले चार महीने से ज्यादा का नहीं है अगर ऐसे केस में रजिस्ट्रार अलाउ करेगा लेकिन फीस कितनी लेगा ये देखिए मे डायरेक्ट दैट ऑन पेमेंट ऑफ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग टेन टाइम्स दिस इज इंपॉर्टेंट

इसके बाद 26 बात करता है उन डॉक्यूमेंट्स की जो भारत में एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं तो डॉक्यूमेंट अगर किसी कहीं किसी दूसरी कंट्री में एग्जीक्यूट हुआ है तो एग्जीक्यूशन के बाद जब वो भारत लाया गया भारत लाने के बाद विद इन फोर मंथ उसका रजिस्ट्रेशन होना है ये दिया हुआ इधर डॉक्यूमेंट टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑल और एनी ऑफ दी पार्टीज आउट ऑफ इंडिया इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम हेर एंड बिफोर चार महीने में नहीं आ पाया था

पहले वाला प्रोविजन उसके लिए 27 अलग से है विल्स, भी विल्स में भी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम अ विल मेड एनी टाइम भी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन बनी कभी भी हो रजिस्टर आप कभी भी करा सकते हैं टाइम लिमिट नहीं है इन केस ऑफ विल। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं ऑफ द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन तो हमने जो क्वेश्चंस देखे थे व्हाट किस चीज का रजिस्ट्रेशन होना किसका नहीं होना और उसके बाद वेन कब होना है वो देख लिया किधर होना है रजिस्ट्रेशन वेयर सो द आंसर इज हेयर सॉरी प्लेस फॉर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो किधर होगा सेव एज इन दिस स्पॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड एवरी डॉक्यूमेंट मेंशन इन सेक्शन सेवनटीन जिसका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सबसेक्शन वन क्लॉज ए बी सी डी ई सेक्शन सेवेंटी सबसे अगर आप ऑप्शनल के लिए भी आ रहे हैं और वो इमोवेबल प्रॉपर्टी का है ऐसे केस में शी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन दफिस ऑफ अब रजिस्ट्रार नॉर्मली रजिस्ट्रेशन के लिए किसके पास जाया जाता जा जा है ऑफिस ऑफ दब रजिस्ट्रार एक सवाल ये भी मैंने देखा था वहां पे लिखा था पहले स्टार्टिंग में कि किसके पास जाना है कौन जाएगा उसका जवाब अभी आगे मिलेगा किसके पास जाना है सब रजिस्ट्रार विद इन सब डिस्ट्रिक्ट द होल और सम पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच सच डॉक्यूमेंट रिलेट इज सिचुएटेड तो भैया इमोवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो कहां के सब रजिस्ट्रार के पास जाना है उस सब डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार के पास जिसकी टेरिटरी में जिसकी उस सब डिस्ट्रिक्ट में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या तो पूरी इमूवेबल प्रॉपर्टी वही है या उसका एक पार्ट है उधर तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पार्ट में डिवाइडेड है दो अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में आ रही तो किसी भी एक के पास जा <coughs> आप इमूवेबल को छोड़ दिया जाए तो बाकी डॉक्यूमेंट के लिए क्या है ट्वेंटी नाइन डील करता है प्लेस फॉर रजिस्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट ऐसे केस में आप जहां एग्जीक्यूशन हो रहा है ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जहां एग्जीक्यूशन हो रहा है हु इधर इन द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार इन डिस्ट्रिक्ट द डॉक्यूमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड जहां एग्जीक्यूट किया गया है वहां और अगर एग्जीक्यूट अलग अलग शहरों में क्योंकि दो अलग अलग लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो सबके कंसेंट से जितने लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया सबके कंसेंट से जो कॉमन डिस्ट्रिक्ट वो डिसाइड करते हैं वहां हो सकता है एट विच ऑल द पर्सन एग्जीक्यूटिंग एंड क्लेमिंग अंडर द डॉक्यूमेंट डिजायर द सेम टू बी रजिस्टर जहां सारे इंटरेस्टेड पार्टी बोल देंगे वहां हो जाएगा ठीक तो या तो उस प्लेस पे जहां डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है या फिर जितने उसमें क्लेम कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को वो जहां डिजायर करेंगे जिस भी एक सब डिस्ट्रिक्ट में वहां कराया जा सकता है थर्टी देखिए रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार्स इन सर्टेन केसेस तो भाई ये जो है एनी रजिस्ट्रार में रिसीव तो वो भी कर सकता है पढ़ा कि कहां जाते हैं आप सब रजिस्ट्रार के पास लेकिन अगर रजिस्ट्रार चाहे तो वो भी बुलवा के रजिस्टर कर सकता है इन हिस्सक्रिप्शन किसी भी डॉक्यूमेंट का दैट इज थर्टी सेक्शन का सवाल इधर आपसे पूछा जा सकता है कि रजिस्ट्रार को अथॉरिटी किस सेक्शन में दी गई है उसको मार्क कर लीजिए थर्टी वन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन और एक्सेप्टेंस फॉर डिपॉजिटेड प्राइवेट रेजिडेंस। नॉर्मली ये रूल है कि जो पार्टी रजिस्ट्रेशन कराना चाह रही है उसको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में घर जाके भी रजिस्टर की जा सकती है पर्सन के घर जाके भी रजिस्ट्रेशन हो सकता ये है एक्सेप्शनल में होगा थर्टी वन अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है ऑफ प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ये उस सवाल का जवाब आपको देगा कि रजिस्ट्रेशन किसे कराना है हु इज एंटाइटल टू गेट डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है ठीक तो उसके लिए आप प्रोविजन देखिए 32 टू पर्सन टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन कौन वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट इन दी एक्सेप्टी एवरी डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट वेदर सच रजिस्ट्रेशन बी कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों केस में बी प्रेजेंटेड एट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस बाय सम पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द सेम कौन लोग करा सकते हैं डॉक्यूमेंट रजिस्टर जिन्होंने उसे एग्जीक्यूट किया है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो उस डॉक्यूमेंट में कुछ क्लेम कर रहा है बेनिफिशियरी कहने का मतलब भले भले वो एग्जीक्यूटर ना ना हो उसने ना हो उसने एग्जीक्यूट किया लेकिन बेनिफिट क्लेम जैसे मान लीजिए विल ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है लेकिन अगर करवाना है तो उसका जो बेनिफिशियरी है वो भी करवा सकता है जिसने एग्जीक्यूट करी विल वो भी और जो बेनिफिशियरी है वो भी जो क्लेम कर रहा है उसके अंडर दोनों में से कोई भी करवा सकता है अगर वो नहीं है और इन द केस ऑफ अ कॉपी ऑफ अ डिक्री ऑर्डर क्लेमिंग अंडर द डिक्री जो भी डिक्री में क्लेम कर रहा है बाय द रिप्रेजेंटेटिव और असाइन ऑफ सच अ पर्सन अगर वो पर्सन नहीं है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव या भी करा सकता है उनका कोई एजेंट करा सकता है मतलब ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए बेसिकली आंसर क्या है जिस पर्सन ने डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया है वो या जो उस डॉक्यूमेंट के अंडर क्लेम कर रहा है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव असाइनी और एजेंट भी करा सकते हैं बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है थर्टी टू ए पावर ऑफ अटॉर्नी बिल्कुल रिक्वायर्ड ही नहीं है मतलब मेरे हिसाब से तो इसकी रीडिंग की भी जरूरत नहीं है आपको प्रोसीजर बेसिकली उसमें डील किया है कि किस तरीके से होना है ये सारी चीजें बट इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल थर्टी फोर देख लीजिए थर्टी फोर इज इंपॉर्टेंट इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ये कुछ ड्यूटीज हैं उस रजिस्ट्रार की रजिस्ट्रिंग ऑफिसर की जो रजिस्ट्री कर रहा है क्या उसको इंश्योर करना है बिफोर गोइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन या उस रजिस्ट्रेशन को करने के पहले उसे क्या चेक करना है सो देखिए सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन कंटेंट इन दिस पार्ट एंड सेक्शन दी सेक्शन शेल बी रजिस्टर्ड अंडर द पर्सन एक्सिक्यूटिंग सच डॉक्यूमेंट और रिप्रेजेंटेटिव असाइनी और एजेंट इज इज अफोर्सड अपियर बिफोर द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर दिस इज इंपॉर्टेंट तो भैया जो भी लोग उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनका आना जरूरी है फॉर रजिस्ट्रेशन अपियर बिफोर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर विद इन द टाइम अलाउड फॉर प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के लिए जितना समय रिक्वायर्ड है कितना रिक्वायर्ड है समय बताइए जरा कितना समय रिक्वायर्ड है प्रेजेंटेशन के लिए किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूशन के बाद कितने समय में रजिस्टर कराना है चार महीने वो ही सेम इधर उस चार महीने के अंदर अंदर जो पर्सन एग्जीक्यूट कर चुके जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है उनकी प्रेजेंस जरूरी दे मस्ट अपीयर बिफोर दी रजिस्टरिंग या फिर अगर वो नहीं है तो उनके वगैरह आएंगे तो के है, है के तो यही तो ऑथेंटिसिटी चेक करेगा रजिस्ट्रार कि नहीं रजिस्टर करने का उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना उससे ट्रांजेक्शन ना हो ये चेक करना तो उसके लिए इंश्योर करने के लिए रजिस्ट्रार क्या करेगा उस पर्सन को बुलाएगा अपने ऑफिस या उसके रिप्रेजेंटेटिव को देखिए तो ये एक इंपॉर्टेंट और ये चार महीने के अंदर ही आपको करना है अब ये जरूरी नहीं है इसमें कि पर्सन एक साथ आए साइमल्टेनियसली अलग अलग टाइम पे आ सकते हैं बट विद इन दैट टाइम पीरियड आना है और अगर उसके बाद अब देखिए कब वो रजिस्टर करेगा कब नहीं करेगा सब सेक्शन थ्री द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल देर अपॉन इंक्वायर वेदर और नॉट स डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड बाई दी पर्सन बाय हु जिसके द्वारा कहा जा रहा है कि इस पर्सन ने ही एग्जीक्यूट किया है डॉक्यूमेंट ये इंश्योर कौन करेगा रजिस्टरिंग ऑफिसर जो रजिस्टर कर रहा है सब रजिस्ट्रार इंश्योर करेगा कि उसी पर्सन ने एग्जीक्यूट किया है कि नहीं किया है सेटिस्फाई सेटिस्फाई हिमसेल्फ आइडेंटिटी ऑफ पर्सन ये होगा कि जिस परस, जो पर्सन आया है और कह रहा है कि मैंने एग्जीक्यूट उसकी आइडेंटिटी आजकल आधार वाधर चल रहा है तो आइडेंटिटी इंश्योर करेगा बेसिक बात है अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट इधर पे यही है कि उसको सब इंश्योर कर लेना है कि ये जो डॉक्यूमेंट है सही व्यक्ति जिसके नाम का कहा जा रहा है उसी व्यक्ति ने करा है कि नहीं बेसिकली उससे रिलेटेड सेक्शन वन मेंॉन्च विद रजिस्ट्रडेड टू रजिस्ट्रार बहुत इंपॉर्टेंट बाकी प्रोविजन नहीं है सिर्फ इस सेक्शन का क्रक्स आप ध्यान रखिए कि रजिस्ट्रार क्या करेगा वो ये इंश्योर करेगा कि जिसके नाम का कहा जा रहा है एग्जीक्यूशन उसी का है कि नहीं उनकी आइडेंटिटीज इंश्योर करेगा ये सारे प्री रिक्वेड है बिफोर डॉक्यूमेंट 35 प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ब्रीफ में बता देता हूं इसके बारे में इसमें देखिए अगर वो इंश्योर हो गया अगर वो सेटिस्फाई हो गया रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार कि भैया हाँ ये सही पर्सन ने एग्जीक्यूट किया उनकी आइडेंटिटी दिख गई तो वो क्या कर देगा एडमिट कर लेगा ठीक है

तो एडमिशन मान लेगा और अगर ये नहीं होता है तो इससे रिलेटेड आगे दिया है थर्ड वाला इफ एनी पर्सन बाय द डॉक्यूमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूशन बोला जा रहा है कि इसने एग्जीक्यूट किया वो पर्सन जब रजिस्ट्रार के सामने आया उसने मना कर दिया मैंने नहीं किया एग्जीक्यूट किया ऐसे केस में वो रजिस्टर नहीं करेगा बहुत ऑब्वियस सी बात है या फिर उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है या वो पर्सन किया है लेकिन वो साउंड माइंड नहीं है इसीलिए प्रेजेंट करवाता है अपने बेसिकली सारा वही है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए तो कहा एडमिशन कहा भैया जहां वो सेटिस्फाई हो जाएगा एग्जीक्यूशन से कि हाँ इसी व्यक्ति ने एग्जीक्यूट किया है उनकी आइडेंटिटीज से वहां वो आगे बढ़ेगा जहां उसको लगता है कि ये वो पर्सन नहीं है मतलब या वो पर्सन एग्जीक्यूशन कर करा तो उसी ने है लेकिन वो पर्सन क्या है माइनर है या लूनाटिक है ऐसे केस में वो आगे नहीं बढ़ेगा फिर देखिए ऑफ एनफोर्सिंग दस ऑफ एंड विटनेसेस अब जो विटनेसेस वगैरह हैं एग्जीक्यूटेंट है उनकी प्रेजेंस रिक्वायर करानी है तो उसके लिए अथॉरिटी तो होनी चाहिए इस रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास दैट इज कन्फर्ड इन दिस प्रोविजंस 36 प्रोसीजर वेयर अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट और विटनेस इज डिजायर्ड

ऑफिसर और कोर्ट टू इशू एंड कॉज सर्विस ऑफ समन समन वगैरह भेज सकते हैं इनके पास ये पावर होता है थर्टी एट पर्सन एग्जेप फ्रॉम अपियरेंस नॉर्मल सी बातें हैं जो सिविल या क्रिमिनल किसी जे, जेल में है या जो एग्जेमटेड है सिविल कोर्ट में जिनको अपियरेंस एग्जेंशन मिला है उनको भी इधर मिला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन नहीं है आपका थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये है इंपॉर्टेंट ऑफ प्रेजेंटिंग विल्स एंड अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट अब क्योंकि इनकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है विल्स को हर जगह एग्जाम किया है और जो अथॉरिटी टू अडॉप्ट है उसके बारे में स्पेसिफिक प्रोविजंस भी में दिए हुए हैं ब्रीफ में आपको इनका बता दे रहा हूं हाउ इट इज डन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार मैं ब्रीफ बता दे रहा हूं आप रीड करेंगे आपके समझ में आ जाएगा पर्सन एंटाइटल टू प्रेजेंट विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट कौन ये काम कर सकता है कौन एंटाइटल्ड है विल का और अथॉरिटी टू अडॉप्ट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो उसके लिए भाई जिसने विल बनाई है वो या वो पर्सन जो क्लेम कर रहा है कोई राइट right, उसका बेनिफिशियरी दोनों में से कोई भी जा सकता है अथॉरिटी टू अडॉप्ट में भी जिसको अथॉरिटी मिली है वो या फिर वो सन जिसका अडॉप्शन होना है वो खुद भी जा सकता है रजिस्ट्रार के पास चालीस में फोर्टी वन रजिस्ट्रेशन ऑफ विल्स एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट तो भाई ये रजिस्टर कर सकता है जो मैनर प्रिस्क्राइब है अगर सेटिस्फाइड है रजिस्ट्रार कि वो पर्सन आया है पर्सन या जिसने एग्जीक्यूट किया दोनों में से कोई भी तो वो कर सकता है उसके ऑफ द डिपॉजिट ऑफ अलग पार्ट है बेसिकली है क्या ये देख लीजिए पिछले में था एग्जीक्यूशन कौन कराएगा तो मैंने वो आपको बता दिया डिपॉजिट ऑफ विल का कंसेप्ट क्या है ब्रीफ में आप ये समझ लीजिए कोई पर्सन टेस्टेटर जिसको बोलते हैं जो अपनी विल बनाता है वो बिल जो विल है आपकी वो ले जाके आप रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करा सकते हैं आपने आज वसीयत लिखी ले, ले जाके रजिस्ट्रार के पास वो ओरिजिनल कॉपी डिपॉजिट करा दीजिए वो डिपॉजिट करके रखेगा पर्सन की डेथ होने के बाद जब एप्लीकेशन आएगी तो वो विल निकालेगा उसकी कॉपी करा के बेनिफिशियरी को दे देगा कि जाओ तुम कोर्ट में क्लेम करते रहना ओरिजिनल विल वो वापस रख लेगा अपने पास ये प्रोसीजर इधर दिया है जिसको बोला गया ऑफ द डिपॉजिट ऑफ विस फोर्टी टू टॉक्स अबाउट डिपॉजिट ऑफ विल एनी टेस्टेटर में टेस्टेटर कौन होता है जो विल बना रहा है इधर पर्सनली और बाई ड्यूल ऑथोराइज एजेंट डिपोजिट विन रजिस्टर करके 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 पूरा will पढ़नी नहीं है पहले cover करके उसको रजिस्ट्रार तो उसको सेफली रखना है वो फायर प्रूफ जो बॉक्सेस होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में उसके अंदर रखेगा फोर विड्रॉल ऑफ सील्ड कवर अगर बीच में निपटने के पहले मान लीजिए उनका मन किया जिस रजिस्ट्रेटर है उसका मन किया कि बदलना है विद्रॉ करना है विल तो जाके रजिस्ट्रार के पास वो विड्रॉ भी कर सकता है एट एनी टाइम फिर है प्रोसीडिंग्स ऑन डेथ ऑफ डिपोजिट अब मान लीजिए पहले आपने विल बना दी किसी अपने अंकल है उन्हें अपने लड़के के नाम पे विल बना के और डिपॉजिट करवा दी लेकिन बाद में लड़का पलट गया लग रहा है इसको देने लायक नहीं है तो जाके विड्रॉ भी करवा सकते हैं ऐसे केस में अगर आपने विड्रॉ नहीं करी डिपॉजिट है उसके बाद जब टेस्टेटर या डिपॉजिटेटर की डेथ होती है फिर क्या प्रोसीडिंग होगी तो जब भी रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन आएगी जैसा मैंने बताया वो क्या करेगा उस विल की एक कॉपी कराएगा और वो कॉपी देगा एप्लीकेंट को विल वापस अपने पास रखेगा बाकी सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोसीजर वही है डिपॉजिट ऑफ विल का जो मैंने आपको बताया टेस्टेटर विल बना के डिपॉजिट कर देगा चाहे तो विड्रॉ कर सकता है मरने के बाद एप्लीकेशन आएगी तो फोटोकॉपी एक रजिस्ट्रार दे देगा उस एप्लीकेंट को ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन अब अपन आते हैं इफ़ेक्ट्स पे कि अगर आपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन अगर जहां मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन जो सेक्शन 17 में अपन ने पड़े अगर नहीं करवाया तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है देखिए so, 47 सेवन टाइम फ्रॉम विच रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट सबसे पहले तो कब वो ऑपरेशन में आएगा तो क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ऑपरेशन में आएगा कोई भी डॉक्यूमेंट क्या कोई बता सकता है क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन कि एग्जीक्यूशन के विदिन फोर मंथ आपको रजिस्टर कराना है तो क्या रजिस्ट्रेशन जिस दिन हुआ उस दिन से फोर्स में आएगा नो सदा आंसर है जिस दिन एग्जीक्यूटर जैसे कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो उस डॉक्यूमेंट का तब वो जब फोर्स में आता रजिस्ट्रेशन के केस में भी वो तब ही फोर्स में आएगा कहने का मतलब <coughs> अगर स्पेसिफिक डेट नहीं दी है तो एग्जीक्यूशन की डेट से या उस डॉक्यूमेंट में ही उसके एनफोर्समेंट किया उसके फोर्स में आने की कोई स्पेसिफिक डेट दी हुई है तो उस डेट से डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं उसके ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है उस डॉक्यूमेंट के ऑपरेशन से डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का कोई लेना देना नहीं जिस दिन दिन एग्जीक्यूट हुआ या या तो उसी दिन, या उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई डेट ऑफ ऑपरेशन लिखी थी कि इस दिन से ये ऑपरेट होगा उसी दिन से होगा यही लिखा है इधर अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट शाल ऑपरेट फ्रॉम द टाइम दिच इट वुड हैव कमेंस टू ऑपरेट इफ नो रजिस्ट्रेशन देयर ऑफ Had been or made, जैसे कि उसका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ ही ना हो एंड नॉट फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 48 देखिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी वेंट टू टेक इफेक्ट अगेंस्ट ओरल अग्रीमेंट तो भैया वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिनका मैंडेटरी रिक्वायर्ड नहीं है देखिए ऑल नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट जूली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट and relating to any property whether movable or immovable, shall take effect against any oral agreement or declaration relating to such property unless where the agreement or declaration has been accompanied or followed by delivery of possession to agar koi oral agreement hai aur koi ek डॉक्यूमेंट है रजिस्टर्ड है, है तो द डॉक्यूमेंट और रजिस्टर्ड शाल प्रवेल आपको वैसे भी पता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड ये बहुत प्रोविजन है आपके इफेक्ट का सत्रह में जो मेंशन थे जिनका रजिस्ट्रेशन कराना अगर नहीं कराया तो क्या इंपैक्ट होगा देखिए नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी रजिस्टर्ड इफेक्ट अफेक्ट एनी इमूवेबल इन कोई इफेक्ट नहीं होगा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का कन्फर एनी पावर टू अडोप्ट कन्फर नहीं करेगा पावर जो जो अडोप्शन के लिए आपने लिखा है ना कि अथॉरिटी टू रजिस्टर होना मैंडेटरी अगर नहीं है रजिस्टर्ड तो वो अथॉरिटी कोई पावर कन्फर नहीं करेगी कहने का मतलब उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा उसका कोई इफेक्ट नहीं वो वैलिड नहीं है ऐसे ट्रांसफर ऐसी अथॉरिटी वैलिड नहीं है बी रिसीव्ड एज एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग प्रॉपर्टी और कन्फरिंग सच पावर जब तक रजिस्टर्ड नहीं है तब तक वो एज एविडेंस भी यूज नहीं होंगे उस ट्रांजेक्शन के ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है रजिस्ट्रेशन इसीलिए मैंटरी था प्रोवाइडेड दैट एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी एंड रिक्वर्ड बाई दिस एक्ट और टीपीए टू बी रजिस्टर्ड मे बी रिसीव एज एविडेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ये देखिए

देखिए दो चीजों का डिफरेंस जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने का और एक ट्रांसफर के कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं सिर्फ प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दूंगा और ट्रांसफर क्या होता है कि मैंने एक्चुअली प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है दैट इज ट्रांसफर तो उस ट्रांसफर का एविडेंस नहीं होगा

Uh, and me. तो उस कॉन्ट्रैक्ट के एविडेंस हो सकते हैं अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी बट ट्रांसफर का एविडेंस नहीं होगा सर्टेन रजिस्टर्डिंग टू लैंड बहुत ऑब्वियसली चीज है कि जो रजिस्टर्ड है वो वैलिड होंगे अनरजिस्टर्ड के ऊपर प्रवेल करेंगे रीड कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ऑफ द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर दिस इज इंपॉर्टेंट तो यहाँ जो ये पावर दिया हुआ है इनका रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज का जो पावर दिया है इसको देख लीजिए ये जो 51 है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सबसे पहले ये बुक्स बुक्स उनको रखनी है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अलग अलग इनके रजिस्टर होंगे वहां पूरा मैनर प्रिस्क्राइब है कि कौन से रजिस्टर में किस तरीके के कि डॉक्यूमेंट्स की एंट्री करनी है क्या करना है ये वो सब है 51 में उसके रिगार्डिंग ड्यूटीज ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर वन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट जब उसके पास आता है तो क्या ड्यूटी है तो उसके लिए अपन ने ऑलरेडी एक ब्रीफ देख ही लिया है कि उसकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी एक बार रीड कर लीजिएगा आपके समझ में आ जाएगा वही सब इंश्योर करना है उससे जो प्री प्रीरिक्विजिट है ये भी सारे बेसिक प्रोविजन है एक बार आप रीड कर लीजिएगा आपके समझ में आ जाएंगे कि जो एंट्रीज है नंबर्ड होनी चाहिए इंडेक्स बनाना है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये सब नहीं है फिफ्टी सेवन देखिए इधर इस ड्यूटीज में फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन इज इंपॉर्टेंट जो अपन पर्पस के बारे में डिस्कस कर रहे थे इस ड्यूटी से रिलेटेड ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रिंग ऑफिसर टू तो अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन बुक्स एंड इंडेक्सेस एंड टू तो गिव सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एंट्रीज सब्जेक्ट टू तो दी प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट टू दी प्रीवियस पेमेंट ऑफ फीस पेबल इन दैट बिहाफ दी बुक्स नंबर अब वो जो अलग अलग बुक्स के बारे में बताया उतना जाने की जरूरत नहीं है

ये वो बेसिक पर्पस सॉल्व करता है रजिस्ट्रेशन का जो मैंने आपको कहा था ना कि आप अगर कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट uh, में एंटर होने वाले हैं तो पहले चेक करेंगे ना आप जाके तो रजिस्ट्रार ऑफिस जाके आप ये जो स्पेसिफिक बुक्स की बात कही गई है उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं देख सकते हैं उसकी कॉपी आप रिसीव कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस से दैट इज फिफ्टी ये ड्यूटी है रजिस्ट्रार की, की ये प्रोवाइड कराएं सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस सेक्शन में ये है कि आप कॉपीज रिसीव कर सकते हैं बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं. So 57 is important. इसके अलावा फिफ्टी एट इंपॉर्टेंट नहीं है एक बार रीड कर लीजिएगा बस 59 भी इंपॉर्टेंट नहीं है 60 पे आ जाते हैं अपन सीधे 60 थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो भाई देखिए जब कॉपी रजिस्टर जब भी कोई डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन आप कराने जाते हैं तो जो ऑफिसर होगा वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट बना के आफ्टर सच ऑफ देशन थर्टी फोर प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ऑफिसर शाल इंडोज देर ऑन अ सर्टिफिकेट कंटेनिंग दी वर्ड रजिस्टर्ड

सर्टिफिकेट वो अपने में बुक्स में बुक्स रख लेगा, एंडोर्स कर लेगा कि ये ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो चुका है और सर्टिफिकेट इश्यू हो गया वो जो डॉक्यूमेंट है ना जिसका रजिस्ट्रेशन कराने आप गए थे वो डॉक्यूमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा उस डॉक्यूमेंट का रजिस्टर में एंट्री कर ली जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो चुका है डॉक्यूमेंट आपको लौटा दिया जाएगा दैट इज सिक्सटी वन इसके बारे में में पहले भी बात करी है आप ऐसी भाषा वो या हैं जो को पता नहीं है, उस स्टेट में प्रिवेलिंग नहीं है तो ऐसे केस में आपको ट्रू ट्रांसलेशन देना पड़ेगा वहां पे जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा उस ट्रांसलेशन से रजिस्टर नहीं करेगा 63 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए ये रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास oath दिलाने का पावर है अब जितने भी लोगों को वो इंस्पेक्ट करता है ना वो सब अपन ने जो पढ़ा ड्यूटीज में प्री रिक्वायरिट्स रजिस्ट्रेशन की कि बुलाएगा चेक करेगा कि इसी पर्सन ने एग्जीक्यूट किया है कि नहीं डॉक्यूमेंट उनको oath भी दिला सकता है oath पे भी उनसे स्टेटमेंट ले सकता है ये पावर दिया है 63 में सेक्शन याद रखिएगा प्रोसीजर वेयर डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू लैंड इन सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है लैंड तो कहीं भी आप जा सकते हैं एक जगह रजिस्टर कराएंगे जो जिस जिस सब uh, डिस्ट्रिक्ट में आप रजिस्टर करा रहे हैं वो जो सब रजिस्ट्रार है वो बाकी जो सब डिस्ट्रिक्ट जहां वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उनको इस बात का एक एंडोर्समेंट या नोटिस भेज देगा और वो अपने यहां भी एंट्रीज कर लेंगे ये सिक्सटी फोर प्रोसीजर वेयर डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू लैंड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट वही की पूरा होने के बाद प्रोसीजर सबको बता दिया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 64, 65, 66 एक बार रीडिंग बस कर लीजिएगा वुड बी कि क्या क्या उससे करना होता है इससे रिलेटेड जब भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो रहे हैं तो इसके बाद 68 काफी इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू सुप्रिटेंट एंड कंट्रोल सब रजिस्ट्रार्ड सेक्शन का क्वेश्चन यहां से आ सकता है जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट के सब रजिस्ट्रार है उस पे कंट्रोल किसका है रजिस्ट्रार का ये ध्यान रखिएगा सेक्शन याद रखिएगा 68 में दिया है जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल और सुपरविजन हाई कोर्ट का होता है स्टेट में ऐसे सब रजिस्ट्रार्स के ऊपर जो कंट्रोल है और सुपरविजन है सुपरिटेंडेंस है वो किसकी है रजिस्ट्रार की है, ध्यान रखिएगा प्रोविजन इंपॉर्टेंट है इधर ऐसे ही पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू सुपरिटेंड रजिस्ट्रेशन एंड मेक रूल ये मैंने कहा था ना स्टेट का सिग्नल अथॉरिटी हो सकता है ये इंस्पेक्टर जनरल ये पूरा सुपरिटेंड करता है जितने भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन के ऑफिस बनाए गए हैं सबके लिए रूल बनाना उनके रिलेटेड चीजें गवर्न करना ये सब इंस्पेक्टर जनरल का काम है सेवेंटी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है <coughs> देखिए भाई हमने ये पढ़ा था नॉर्मली सारे काम कौन कर रहा है से करने का सब रजिस्ट्रार लेकिन हमने एक सेक्शन में पढ़ लिया कि रजिस्ट्रार भी एक काम कर सकता है अब हमने ये देखा कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं और उसमें डिले होता है सेक्शन 25 में आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं पांच सॉरी चार महीने के अंदर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद चार महीने के अंदर अंदर आपको एग्जीक्यूट कराना है अगर आपने नहीं किया उसके बाद विद इन फोर मंथ अगर आप जा रहे हैं तो दस गुना पेनल्टी लगेगी जो रजिस्ट्रेशन फीस है दस गुना ली जा सकती अप टू टेन टाइम्स आपसे ली जा सकती है और सब रजिस्ट्रार ने अगर ये फाइन वाइन लगाया है ये आप रेमिट करा सकते हैं पार्डन करा सकते हैं किससे इंस्पेक्टर जनरल के पास पावर है मतलब जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फीस थी और जितना आपके ऊपर फाइन लगाया गया वो फाइन हटा सकता है सिर्फ ओरिजिनल फीस आपसे लेके भी डिले के बाद भी चार महीने के बाद भी रजिस्टर करवा सकता है तो वैसे तो दस गुना तक फाइन लगाया जाएगा लेकिन आप चाहें तो उस फाइन को रिमिट करा सकते हैं सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 70. इसके बाद ऑफ रिफ्यूजल टू रजिस्टर ये इंपॉर्टेंट है अब देखिए हमने पढ़ा कि रजिस्टरिंग ऑफिसर जो होगा वो कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के पहले इंश्योर करेगा बहुत सारी चीजें है ना देखेगा एग्जीक्यूटेंट है यानी और भी बहुत सारे ग्राउंड है जिनके ग्राउंड पे वो रिजेक्ट कर सकता है जो अपन ने अभी पढ़े उसके बारे में है कि मान लीजिए जब वो रिफ्यूज कर देता है तो क्या होगा एवरी सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट ऑन दी ग्राउंड इसके अलावा किसी और ग्राउंड पे अगर इसने रिफ्यूजल किया है तो रिफ्यूजल के और ग्राउंड सपनने पड़े थे कि जिस पर्सन ने एग्जीक्यूट किया उसने वो पर्सन आया नहीं है ऑफिस इस ग्राउंड पे अम्म मना कर सकता है रिफ्यूज कर सकता है वो करने से है ना अगर आइडेंटिटी सही रिवील नहीं हो रही तो मना कर सकता है इन सारे केसेस में अगर उसने मना किया है तो लिखेगा रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज ऑन डॉक्यूमेंट एंड ऑन एप्लीकेशन मेड पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द डॉक्यूमेंट एंड नेसेसरी डिले गिव हिम कॉपी ऑफ द रीजन सो रिकॉर्डेड रीजन लिखेगा जब भी रिफ्यूज कर रहा है वो के के रिफ्यूज कर रहा है तो उसके रीजन लिखेगा और उसकी कॉपी देगा सेवेंटी टू अब उसके लिए रेमेडी मान लीजिए सब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया कि भैया नहीं कर पाएंगे ये इस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन आपके पास क्या रेमेडी है तो वो देखिए अपील टू रजिस्ट्रार फ्रॉम ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड अदर देन डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के अलावा अगर किसी ग्राउंड पे तो उसने मना कर दिया है डिनायल एग्जीक्यूशन मतलब जो पर्सन आया था उसी ने डिनाय कर दिया है अगर तब तो रजिस्ट्रार के पास अपील नहीं है

डायरेक्ट दी डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रार को आपने सेटिस्फाई कर दिया है और फिर वो सब कर देगा। तो कहने का मतलब कि अगर सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देता है और एनी ग्राउंड अदर देन डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन अगर जिस पर्सन ने एग्जीक्यूट किया वही आके मना कर दे कि मैंने ये एग्जीक्यूट ही नहीं किया उस केस में अगर सब रजिस्ट्रार ने जो भी पर्सन रजिस्टर कराने गया था उसको मना कर दिया रिफ्यूज कर दिया क्यों रिफ्यूज कर दिया क्योंकि कोई एक पर्सन जिसने उसे एग्जीक्यूट किया था उसने मना कर दिया कि मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया डॉक्यूमेंट मेरे साइन ही नहीं है उसको छोड़ के किसी और ग्राउंड पे अगर आपका रिफ्यूजल हुआ है तो आप रजिस्ट्रार के पास अपील लेके जा सकते हैं उस केस में वहां भी नहीं जाना है सेवेंटी थ्री एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार वे सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजल रजिस्टर ऑन ग्राउंड ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन अब ये वो वाली बात क्योंकि वहां अपन ने क्या देखा किस ग्राउंड पर रिफ्यूज किया है uh, किस ग्राउंड पर रिफ्यूज किया है पहले वाले ऑन द ग्राउंड दैट एनी पर्सन बाय हुम इट परपोर्स टू बी एग्जीक्यूटेड और इज रिप्रेजेंटेटिव और असाइन डिनाइज इट्स एग्जीक्यूशन एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर सच डॉक्यूमेंट और इज रिप्रेजेंटेटिव असाइन और एजेंट ऑथोराइज में विद इन थर्टी डेज अब देखिए एक टाइम लिमिट और आई अभी तक सब चार महीने चल रहा था नाउ इट इज विद इन थर्टी डेज आफ्टर रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज किया है तीस दिन के अंदर अप्लाई टू रजिस्ट्रार टू होम सच सब रजिस्टर्ड right आपके सब रजिस्ट्रार ने अगर इस ग्राउंड पर रिफ्यूज किया था कि जितनी एग्जीक्यूटिंग पार्टी थी उस डॉक्यूमेंट की किसी एक ने उस एग्जीक्यूशन को डिनाय कर दिया इस ग्राउंड पे अगर रिफ्यूजल हुआ है आपके डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन का तो आप रजिस्ट्रार के पास विद इन थर्टी डेज जा सकते हैं और वहां जाके रजिस्ट्रार को आपको सेटिस्फाई करना है फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा अब वो चेक करेगा तो देखिए 74 प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन सच एप्लीकेशन जब ऐसी एप्लीकेशन आप लेके जाएंगे तो रजिस्ट्रार अब कुछ चीजें इंश्योर करेगा

रजिस्टर होगा यहाँ से ये यह प्रोविजन याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं जो अपन पढ़ रहे हैं सेवेंटी थ्री 72 फोर सेवेंटी टू इन सेक्शन को याद रखिएगा ये रिफ्यूजल टू रजिस्टर पूरा इंपॉर्टेंट है सेवेंटी वन सेवेंटी टू थ्री फोर सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है

डॉमेंट ऑट टू बजिस्टर्ड इनिसक्ट रेजनेशन सेवेंटी टू और भी देना है तो रीजन देगा ठीक नो अपील लाइज फ्रॉम एनी ऑर्डर बायर रजिस्ट्रार अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन सेवेंटी टू और इसके अगेंस्ट कोई अपील लाई नहीं करती ध्यान रखिएगा सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज किया है तो आप अपील लेके रजिस्ट्रार के पास जाएंगे लेकिन रजिस्ट्रार ने अगर रिफ्यूज कर दिया है तो फर्दर कोई अपील नहीं है इसकी तो क्या आपके पास कोई रेमेडी नहीं है अगर मान लीजिए सब रजिस्ट्रार ने, ने मना कर दिया रजिस्टर करने से डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रार के पास गया उसने ही मना कर दिया क्या अब आपके पास कोई रेमेडी नहीं है तो कहता है अपील नहीं है सबसेक्शन टू कह रहा है अपील नहीं है बट आगे देखिए सेवेंटी सेवन suit in case of order of refusal by registrar this is very very important section 76 77 where the registrar refuses order to order the document to be registered under section 72 or a decree under section 76 any person claiming under such document or his representative assignee or agent may within 30 days these then can after the making of the order of refusal institute in the civil court

आप एक सिविल आगे कोई अपील नहीं है रजिस्ट्रार के बाद लेकिन एक सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं तीस दिन के अंदर ये सेवेंटी सेवन में इंपॉर्टेंट बात थी इसके बाद ऑफ दी फीस तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब स्टेट वाइज वेरी भी करता है आप इस एक्ट में देखेंगे बहुत सारे स्टेट अमेंडमेंट है सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन एट्टी इम्पोर्टेंट नहीं है एक बार सिर्फ आप आ, उसकी सुपरफिशियल रीडिंग कर लीजिए दैट्स इट सूट फाइल करना है सिविल कोर्ट में रिट नहीं रिविजन नहीं सूट फाइल होगा सिविल कोर्ट में उसका उसके बाद क्योंकि एक सिविल सूट फाइल हो रहा है आगे का प्रोसीजर तो अपना फिर सीपीसी से गवन हो जाएगा पेनल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है 81 पेनल्टी फॉर इनकरेक्टली इंडोर्सिंग कॉपिंग ट्रांसलेशन और रजिस्ट्रिंग डॉक्यूमेंट्स विद इंटेंट टू इंजर दोनों के लिए पेनल्टी है जितने भी ऑफिसर रजिस्ट्रार ऑफिस में काम कर रहे हैं पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए अथॉरिटीज के लिए भी और पर्सन के लिए भी दूसरे तो 81 बात कर रहा है उन लोगों की एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड अदर स्टाफ अगर वो कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट रजिस्टर उनको पता है कि ये गलत है उसके बाद भी रजिस्टर कर रहे हैं या सही बता रहे हैं उनके लिए भी पनिशमेंट है पनिशमेंट मार्क कर लीजिए शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू सेवन ईयर्स सात साल तक का पनिशमेंट और विथ फाइन और बोथ सात साल तक का पनिशमेंट है उन अथॉरिटीज के लिए रजिस्ट्रिंग ऑफिस ऑफिस की की रजिस्ट्रार इसके अलावा 82 उन लोगों के लिए जो फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं या फॉल्स ट्रांसलेशन देते हैं कॉपीज प्रोवाइड कराते हैं जो भी रजिस्टर कराने जा रहे हैं वो फॉल्स डॉक्यूमेंट वगैरह कर दे रहे हैं सेम पेनल्टी है इनकी भी पेनल्टी जो है वो सेम है यहां देखिए मे टू सेवन ईयर इम्प्रिजनमेंट कितना सात साल या फाइन या दोनों ध्यान रखिएगा दोनों प्रोविजन एट्टी वन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एट्टी टू भी और इसका प्रोसिक्यूशन कमेंस करवा सकते हैं जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है वो ये कमेंस करा सकता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट 83 थ्री का सबसेक्शन टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रोसिक्यूशन होगा ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट बी ट्राइबल पावर नॉट लेस देन ऑफ़ ऑफ़ मजिस्ट्रेट क्लास, जेएमएससी से नीचे कोई ट्रायल नहीं करेगा एटलीस्ट जेएमएफ जेएमएससी होना चाहिए यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था 84 फोर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर टू बी डीम्ड पब्लिक सर्वेंट दैट इज ऑल्सो द प्रोविजन इज इंपोर्टेंट सेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है किस सेक्शन में रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को पब्लिक सर्वेंट कहा गया है so 84 मिसलेनियस में बहुत ज्यादा कोई प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है एक दो तो देख लेते हैं कुछ अगर इंपॉर्टेंट मिलता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है <laughs> तो ये एक बार सिर्फ रीड कर लीजिएगा मिसलेनियस कोई इम्पोर्टेंट प्रोविजन सच इसमें नहीं है एक दो प्रोविजन एट्टी नाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं है 90 देख लीजिए बस सीधे नाइंटी एग्जेपन्ट एक्सम्शन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड बाय और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट अब नॉर्मली अपन ने देखा कि 17 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कई सारी चीजों का दिया है सौ रुपए से मोवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ये सारी चीजें लेकिन गवर्नमेंट को अलग से एक्सक्लूजन मिला है सो देखिए नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और इन द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सारे जितने भी वेरियंट है शाल बी डीम्ड टू रिक्वायर और टू हैव

ये इनका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है government. Government, सरकारी जो भी बना रहा जमीन के कुछ रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्टर होना ठीक ये देखिए टाइटल डीड्स और जो गवर्नमेंट दे रही है गवर्नमेंट जो असाइन करती है नोटिस देना है ये सारे रिक्वायर्ड नहीं है तो सरकारी ऑफिसर ये सारे जो काम कर रहे हैं

कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट जितने भी रजिस्टर ऑफिस में है उनका इंस्पेक्शन कोई भी पर्सन आके एप्लीकेशन देके कर सकता है तो ये डॉक्यूमेंट जिनके अपन ने 90 में बात करी जिनका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है उनका भी आप इंस्पेक्शन सरकारी ऑफिस में रिस्पेक्टिव ऑफिस में जहां पे भी वो है जैसे लैंड रेवेन्यू के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं ना लैंड से रिलेटेड इनका अलग जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस होता है वहां जाके आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं भले उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है लेकिन उन सरकारी ऑफिस में जाके आप उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं उनकी कॉपी रिसीव कर सकते हैं ये नाइनटी कहता है सो दिस इज दी एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन आर्ट कुछ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है कौन रजिस्टर करा सकता है कौन करता है रिज्ट्रेशन, रिज्ट्रेशन है 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 रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन किधर होना पेनल्टीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट के लिए ओवरव्यू हमने पूरा लिया है कुछ एक दो चीजें इधर आपके कमेंट्स में मैं देख लेता हूँ क्या क्या था कोई कोर्सेज के बारे में एक इंक्वायरी थी प्रियांशु हरियाणा पेड कोर्स बेटा टेस्ट सीरीज है सिर्फ हरियाणा की बाकी तो जितने भी लेक्चर्स uh, होने हैं वो यूट्यूब पे ही होने हैं दैट दिस विल बी उनपे डिस्कशन है एग्जैक्टली ऑन पैटर्न ऑफ हरियाणा तो दैट यू कैन गो फॉर बाकी जो एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो सब यूट्यूब पे होंगे जितना हमने मार्क किया है जितना पढ़ा है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम इनको जरूर देख लीजिएगा मेरे ख्याल से एक ओवरव्यू आपको इस एक्ट का पूरा जो इसकी थीम है क्या है क्यों हो रहा है मेरे ख्याल से वो समझने में आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी यहाँ हम लॉ के अलावा जीके के भी लेक्चर्स कराएंगे फॉर हरियाणा है ना जो करंट अफेयर्स है आपका मैंने कहा था जनवरी से अक्टूबर तक विल ट्राई की आपका करवा दें दो सेशन उसके भी रखे गए हैं सीरीज में और जल्दी उनके लेक्चर्स आपके होने वाले हैं है ना